नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। केंद्र सरकार के स्मार्टफोन योजना के तहत दे रही है 10,200 रुपए। आइए जानते हैं इस वायरल खबर की सच्चाई। केंद्र सरकार आम लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है ताकि आम लोगों के जरूरत को पूरा किया जा सके। जब भी केंद्र सरकार किसी तरह की योजना लाती है तो उन योजनाओं को आप केंद्र सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से देख सकते हैं। कई बार इन योजनाओं का पता हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिलता है, जिसमें से कई खबरें सही होती हैं तो कई खबरें फर्जी भी होती हैं। लेकिन कौन सी खबरें सही और कौन सी खबर गलत है, इसका अंदाजा कई बार हम नहीं लगा पाते। कई बार तो उस खबर की जांच पड़ताल किए बिना ही हम उस खबर पर यकीन भी कर बैठते हैं। इन फर्जी खबरों में कई बार हमें किसी सरकारी योजना के लाभ की जानकारी दी जाती है तो कई बार घर बैठे पैसे कमाए जैसे चीज़ों का लालसा दिया जाता है। ये फर्जी खबरें आपको सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे, जहां लोग फर्जी खबर के माध्यम से या तो व्यूज़ और लाइक्स बटोरने की कोशिश करते हैं या फिर किसी अनजान लिंक को क्लिक करने के लिए बात करते हैं। हम भी उन जालसाजों की बातों में आकर बड़े ही आसानी से ऐसा कर बैठते हैं और ऐसा करते ही या तो हमें वित्तीय नुकसान होता है या फिर हमारी निजी जानकारी चुरा ली जाती है और कई बार तो हम गलत जानकारी के भी शिकार हो जाते हैं। ठीक है, कैसे ही केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रही योजना की खबर हम तक भी आई। दरअसल यह खबर हमें सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिली, जहां इस बात का दावा किया जा रहा था कि नागरिकों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में स्मार्टफोन देने की योजना चलाई जा रही है। हमने देखा कि लोगों के बीच यह मैसेज खूब वायरल भी हो रहे थे और लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर रहे थे। जब हम तक यह खबर आई तो हम भी इस वायरल खबर के पड़ताल में लग गए। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस मैसेज में किस तरह के दावे किए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर इस वीडियो में क्या कहा जा रहा था। दरअसल यूट्यूब के किसी सरकारी ब्लॉग नाम के चैनल पर हमें यह वीडियो देखने को मिला। वीडियो में बताया जा रहा था कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की योजना चलाई जाती है तो उसकी जानकारी यह चैनल साझा करता है। आगे वीडियो में बताया जा रहा था कि सरकार की तरफ से एक और योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है मोदी सरकार फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना। इस योजना के तहत यह दावा किया जा रहा था कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर जो लोग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं उनके बैंक अकाउंट में केंद्र सरकार द्वारा 10,200 रुपये भेजे जाएंगे। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा था कि प्रत्येक परिवार के 2 सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के बारे में जानने के लिए हम सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर गए, जहां हमें इस तरह के किसी भी योजना का पता नहीं चला। पड़ताल के दरमियान जब हमने इस खबर को इंटरनेट पर सर्च किया तो हमें इस खबर का पता चला PIB फैक्ट चेक पर, जहां इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया गया। बता दें कि PIB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस खबर को भ्रामक बताया जा रहा था, जहां यह साफ शब्दों में कहा गया था कि सरकारी ब्लॉग नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में यह दावा किया गया है। प्रधानमंत्री स्मार्टफोन योजना 2023 के तहत केंद्र सरकार सभी को फ्री में स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रही है। यह वीडियो फर्जी है, यह धोखाधड़ी का प्रयास है, कृपया सावधान रहें। अक्सर हम आपको ऐसे फर्जी खबरों से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आपको कभी भी इस तरह के सरकारी योजना की जानकारी यदि मिलती है तो आप उसे सबसे पहले सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उस योजना का पता करें, नहीं तो आप भी गलत जानकारी के शिकार हो सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप तक इस तरह की खबर पहुंचती है तो उसकी सत्यता की जांच करने के बाद ही उसे आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। यदि खबर में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है तो उसे डिलीट करें और फॉरवर्ड करने वाले को भी मना करें। उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।